सरकार तो बीजेपी की बनेगी, ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है मोदी लहर। मोदी लहर तो मोदी लहर के अगेंस्ट में राहुल गांधी इतना मेहनत किए हैं, इंडिया गठबंधन बनाए हैं, सारे दल इकट्ठे हो गए हैं, तो कुछ परसेंटेज उनका बढ़ेगा। ये तो क्या है कि चोर चोर मोसेरे भाई, सब आपस में मिल गए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ है, सब आ गए हैं, कमल सब इनको चकना शुरू कर देगा। आपको क्या लग रहा है दादा, आप इनकी बात से कितने सहमत? हमें तो 100% सहमत है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी बिल्कुल पक्का, बीजेपी आएगी। अच्छे बोर्डर 400 पार जो मोदी जी नारा दे रहे थे वो क्या हो सकता है कि वो हो? अच्छा बिल्कुल। क्या लगता है आपको शिवराज सिंह जी की छवि के हिसाब से जो अब की बार शिवराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे? अच्छे से जीतेंगे, हारेंगे नहीं। पार्टी कोई मोदी जी के सामने कोई भी पार्टी खड़ा होने वाली तो है नहीं। दमदार किसको चुना जाए, किसको दिया जाए, कोई दिखता ही नहीं है, नजरे नहीं आता है। तो गठबंधन राहुल गांधी जी बनाए हैं, उसमें सारी दलों के नेताओं ने इकट्ठे होकर जो बनाया है, कितना कॉम्पिटिशन, कितना टक्कर दे पाएंगे? 10% दे दें तो बड़ी बात, बड़ी बात। 2024 के चुनाव हो चुके हैं, आपको लगता है 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, किसकी सरकार में? इसकी क्या हो तो फिक्स है, बीजेपी की बनेगी। फिक्स क्यों है, फिक्स के शब्द क्यों यूज करा आप? नहीं वो तो देखने से लगता है ना, जिसकी सरकार चल रही है आगे भी उसी की चलेगी। तो किस आधार पे आप, जैसे वर्किंग के आधार पे आप बोल रहे हो कि आपको क्या लगता है, फिक्स शब्द यूज करा उसकी? वर्किंग के आधार पे नहीं, मतलब चांस तो बीजेपी का ज्यादा है, भले ही कम सीट है, लेकिन आप बोले सरकार किसकी बनेगी तो हम वो बोले बीजेपी की। सुरेश भाई बताइए, आप जैसे आप चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आपको क्या लगता है 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें किसका बहुमत आना है? बहुमत तो बीजेपी का दिख रहा है। अच्छा, 400 पार का नारा उन्हें रखा था, आपको लगता है? ये तो नहीं बात कर सकते, जितना भी हो लेकिन सरकार बीजेपी की, सरकार बीजेपी की बनेगी। तो ये जो राहुल गांधी जो गठबंधन बनाए हैं उसमें क्या लगता है आपको, उसके साथ नहीं हो पाएगा? नहीं, मध्य प्रदेश में उनकी कोई सीटें बढ़ेंगी? नहीं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? देखिए सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, इसके अलावा मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो अभी काम कर रहे हैं लेटेस्ट में, और आने वाली जो पंचवर्षीय उनकी योजना है बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है। वो अपना बिजनेस में भी और इंडस्ट्री में भी बहुत सारे उसमें भी आने वाली जो उनके बहुत उनकी होने वाली है, और जो उनकी अपनी ये सुविधाएँ हैं जो अपने लाडली लक्ष्मी चल रही है, तो ऐसा है कि मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। लाडली बहना योजना तो मतलब सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की मानता हूँ, लेकिन प्रभाव तो सभी देशों के देशों में पड़ता है ना। आपका इसका मतलब है कि इस योजना से मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, फुल बहुमत से आएगी, इससे पहले जिससे आई थी और फुल बहुमत से ही आएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में एक छिंदवाड़ा सीट छोड़ के सारी सीटें में बीजेपी ने, आपको क्या लगता है इस बार छिंदवाड़ा भी फतेह होगी? बिल्कुल फतेह होगी, 110% फतेह होगी छिंदवाड़ा। आपको क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था वो कितना सार्थक होगा? 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है वो किसके पक्ष में जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है? शिक्षा और रोजगार काम है, जो काम करना नहीं चाहता, जो मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाऊँ जब भी, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा है। क्या लगता है आपको 4 जून को क्या होगा? मोदी सरकार आएगी। अच्छा क्यों लगता है? मोदी अब 7 सरकार लाए, आपको लगता है राम मंदिर जो मुद्दा था, भाई साहब से बात करूँगा, राम बना रहा है एकमात्र पॉजिटिव जड़ी बूटी का काम करेगी बीजेपी के लिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा क्या 22 जनवरी को टारगेट रखा गया था, वो लोकसभा चुनाव रखते ही कार्यक्रम को रखा गया था? नहीं अभी लड़ाई राम मंदिर की लड़ाई है, राम मंदिर एक विपक्ष का कहना है, जो राम मंदिर का उद्घाटन समारोह जनवरी में रखा गया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते ही किया गया है। विपक्ष का तो काम ही कहना, कहते ही रहेंगे, उनको तो आमंत्रण भी दिया लेकिन उन्हें राम भगवान का भी राम मंदिर में जाने को भी सीखा नहीं करा, कहीं ना कहीं उनको उसका कल 4 तारीख को क्या अभी एग्जिट पोल में उनको पता चल जाए, वही जो एग्जिट पोल का भी कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि एग्जिट पोल का बहिष्कार किया जा रहा है, जब किसी भी एग्जिट पोल में या
जो लाइफ जो रहेगा उसमें पार्ट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों लगता है? क्या कांग्रेस अभी से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है? कांग्रेस अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं बता पाई, जब गठबंधन बना था उसके पहले भी गठबंधन बना चुके हैं, पिछले बार भी उन्होंने गठबंधन बनाया था तो गठबंधन नहीं था, इस बार भी दिखेगा गठबंधन का कोई असर। आपको क्या लगता है जो गठबंधन है वो 4 तारीख और बिखर जाएगा? हम मोदी सरकार 4 तारीख को आ रही है क्योंकि गठबंधन का तो ऐसा है वो तो आएगा चला जाएगा, लेकिन तो अच्छा काम किया हुआ है मोदी सरकार ने। अब देखिए चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना तो कहीं ना कहीं उसने सबकी जो बेस्ती है कहीं वो इतना ऊपर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने फिर मंदिर और मस्जिद की बात करी, कभी अस्पताल में कोई विकास नहीं करा, ऐसा क्यों लगता है? कभी विकास करा होंगे तो बाहर देश में अपनी जो इमेज बढ़ गई है, बाहर अपन जाते तो बाहर अपने को लोग पूछते हैं जहाँ मेरे कार्यक्रम बीजेपी के रहने से ही उनका मंदिर तो देखो बनाने बीजेपी बनाएगी क्योंकि वो तो संघ का काम है मंदिर बनाना और उनका टोला। मंदिर कोई बुरे धार्मिक काम कोई बुरा नहीं है, सब काम बढ़िया कर रहे हैं, हमें कोई मिला सुविधा नहीं है मोदी जी सब, हमने वोट भी डाला और मोदी जी के कैंडिडेट को दिया आलोक शर्मा जी। आज की वर्तमान की परिस्थिति में आपको क्या लगता है 4 तारीख को इधर एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं? बता रहे हैं।